3:30 बजे के करीब, तो ऐसा लगा नहीं कि खलील दादा जो है वो इंतकाल कर गए, क्योंकि हम लोग बासी के दिन बैठ गए, इरफान भाई, रोशन बाबू, हम लोग सब बैठ गए, सब हंसी मजाक हुई। हम शेख सफी खानवादा के गम में बराबर के शरीक हैं। मैं सब लोगों ने तो थोड़ा थोड़ा बताया, लेकिन मैं ये बताना चाहूँ कि किसी आदमी के पास पैसा आता है तो उनके साथ जो रहते हैं वो सोचते हैं कि वो छोटा ही रहे, लेकिन शेख खलील साहब जो है जितने भी वहाँ पे उनके साथ में थे, जो दोस्त थे गरीबी के उसमें थे, कोई पैसा मांगने आता था तो वो बोलते थे कि यार पैसा नहीं ले, ये जाके ट्राली का पैसा देते थे पूरा। देवी के मल्ले में कई मिसाल है, कई मिसाल जाफर नगर में है, यानी उनको मांगने वाला नहीं बनाए। शेख खलील साहब ने ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनको जो है खुद अपने पैर पर खड़े होने वाला बनाए, ये मैं इस बात की खुद गवाही दूंगा, क्योंकि हम लोग छोटे से बड़े जो है हजार खुली में ही हुए हैं। और खलील दादा साहब हम लोग को मैच देखने, क्रिकेट देखने अक्सर जो है बर्फ ग्रीन पे आया करते थे, और उस टाइम में वो जो है हम लोगों को अच्छा खेलने पे इनाम भी दिया करते थे। खलील साहब जो है उनकी एक गांव में एक मिसाल है, और मैं नहीं समझता कि उनके जैसे जो है और कोई ऐसा होगा। जो नाम उनका दादा था, वो उनके जितनी बच्चों से मोहब्बत थी उनको, यानी मैं नहीं समझता कि आप लोगों के इल्म में होगा, जितने गाँव में थोड़ा सी कम दिमाग लोग है, दादा उनका बराबर ख्याल रखते थे। उनके घर पे तीर त्यौहार पे जो है उनका पूरा जो है अनाज पानी पैसा वगैरह जो भी है उनको भी ले दे के चलते थे, ये हम लोग नहीं कर सकते। आज उनके घर के पास जो है कई मजदूर जो है, कई कम दिमाग लोग जो है उनके पास में इर्द गिर्द, आज वो लोगों कितने लोगों को तो आज मालूम पड़ा। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि शेख खलील साहब के साथ मैं बहुत ज़्यादा रहा हूँ, सैयद मुस्लिम साहब, इरफान भाई, हम लोग, मैं उनके फैमिली के गम में बराबर का शरीक हूँ, और जहाँ कहीं हमारी ज़रूरत पड़ी इंशाल्लाह मैं उनके खानदान में शरीक रहूँगा। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट, होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है, हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखे, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।